अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम हैदराबाद। और आज हम आए हैं हैदराबाद में इफ्तार करने के लिए। वैसे तो आम दिनों में हम हैदराबाद आते जाते हैं, बट इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम आए यहाँ पर इफ्तार करने के लिए और देखें कि हैदराबाद में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो जनाब, यहाँ आ चुके हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त कामिल भाई। उन्होंने हमें यहाँ से पिकअप कर लिया है कासमाबाद से, और अब हम जा रहे हैं मस्जिद पढ़ते हैं असर की नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज असर अदा कर ली है और अब अफ्तारी का टाइम बहुत करीब है। तो भाई, अफ्तारी तो जो है वो हो गई कामिल भाई के घर पर, और अब जो है वो कामिल भाई हमें छोड़ने जा रहे हैं सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर। तो इस टाइम पर हम एशिया की सबसे लंबी बाज़ार पे हम सफ़र कर रहे हैं। ये शाही बाज़ार और बहुत से बाज़ार इसमें बीच में आते हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक बाज़ार है, जिसको एक के बाद एक दूसरी बाज़ार टच करती है। चले जी, अब हम पहुंच चुके हैं पक्का किला, अब चलते हैं मज़ार शरीफ। दरगाह हज़रत सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो जनाब, मज़ार शरीफ से फ्री होके अब हम चल रहे हैं कुछ खापा करने के लिए, और खापा करने के लिए हम आए हैं हाजी रबड़ी पर। रबड़ी खाने के बाद अब हम जा रहे हैं कुछ और खापा करने, और अब्दुर्रहमान भाई का दिल है कि हम खाएं दिल्ली निहारी, तो चलते हैं दिल्ली निहारी। तो जनाब, निहारी से पहले निहारी के लवाजमात हमें पेश कर दिए गए हैं, जिसमें है बड़ा जूसी जूसी सा अदरक, नींबू, धनिया और मिर्च। निहारी के मसाले में डूबा हुआ मगा, साथ में बोंग की चिकनी बूटी और देसी घी के तड़के में बना दिल्ली निहारी हमारे सामने। लीमू के कतरे जाते ही देसी घी की लहरों ने तो टांका ही जोड़ दिया। पेश है गर्मा गर्म रोटी, और रोटी भी इतनी गर्म कि लगता है बंदे ने सिलेंसर पे हाथ लगा दिया। काफ़ी जूम करने के बाद देखा तो सामने मगज़ जो है वो निहारी के मसालों में स्विमिंग करता हुआ नज़र आया। तो चलें शुरू करते हैं। ओ हाँ, बीपी और कोलेस्ट्रॉल के मरीज इस वीडियो से दूर रहें, थैंक यू। आखिरकार मगा सा टुकड़ा हमारे सामने, रोटी की मदद से इसके इर्द गिर्द का घेरा तंग करते हुए इसको हमने ग्रिफ्ट में अपने लाकर और सीधा तो जना पेट भर के निहारी हमने खा ली है, और अब चल रहे हैं थोड़ा सा पैदल। पहले ख्याल आया कि व्लॉग ना बनाऊं, फिर याद आया अरे भाई, हम कराची में थोड़ी हैं, हम तो हैदराबाद में घूम रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद की पुरसकून गलियों में घूमते फिरते हम पहुँचे, तो हमें दिखा सामने तो हैदराबाद। आपको पता है चटोरेपन में तो आपका भाई मास्टर है,
चलें चलते हैं हैदराबाद बेकरी में और देखते हैं कि यहाँ की क्या चीज़ मशहूर है। यार फर्स्ट लुक की बात करें तो एंट्री तो इस बेकरी की आउट क्लास है, लेवल है बॉस लेवल। तो जनाब बॉम्बे बेकरी की तरह हैदराबाद बेकरी का भी केक बहुत मशहूर है, तो हमने तो ले लिया है अपने लिए हैदराबाद बेकरी का केक। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा रक्शे का सफ़र और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए हमको पहुँचना है बदीन स्टॉप, जहाँ से मिलेगी हमको गाड़ी और हम जाएंगे अपने शहर की जानिब यानी कि कराची। तो हैदराबाद अपने बहुत सी चीज़ों की वजह से मशहूर है, उसमें से एक मशहूर चीज़ हैदराबाद की चप्पल भी है। तो इस स्ट्रीट पर दोनों तरफ चप्पलों की दुकानों की भरमार लगी पड़ी है। हैदराबाद की चूड़ी, हैदराबाद की अजरक दुनिया भर में मशहूर है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद बदीन स्टॉप और ये खड़ी है हमारी हाईएस्ट, सफ़र हमारा हुआ इख्तिताम। चलते हैं कराची की जानिब। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।